स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। आज हम इस वीडियो में शुद्ध अशुद्ध वर्तनी के 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो हिंदी की हर परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है, जिसमें हम 30 प्रश्नों को उत्तर सहित समझेंगे। हमने अपने पिछले 3 प्रैक्टिस सेटों में 30-30 प्रश्नों को समझा था। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन बी, पूजनीय। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन सी, परीक्षा। तीसरा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन ए, केंद्रीय। चौथा प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन बी, शारीरिक। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन सी, उल्लंघन। छठा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन बी, कवित्री। सातवां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन सी, ईर्ष्या। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन बी, आकस्मिक। नौवां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन डी, जिज्ञासा। दसवां प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन बी, रचयिता। ग्यारहवां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन डी, गृहिणी। बारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन बी, भागीरथी। तेरवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन बी, प्रशासनिक। चौदवां प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन सी, उज्ज्वल। पंद्रवां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन ए, आशीर्वाद। सोलहवां प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन डी, अंतर्धान। सत्रहवां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन बी, दर्शनीय। अठारवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन सी, आहुति। उन्नीसवां प्रश्न है,
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन ए, युधिष्ठर। 20वां प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य। 21वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन सी, व्यवहारिक। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र। 23वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन बी, आयुर्वेदिक। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन सी, ज्योत्सना। 25वां प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन सी, शुश्रूषा। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन बी, दुर्निवार। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन ए, परिणित। 28वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन बी, हार्दिक। 29वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन बी, सम्मिलित। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन ए, मूंगफली। ये शुद्ध अशुद्ध वर्तनी के 30 प्रश्न हैं, जिन्हें हमने उत्तर सहित समझा है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।